चल न्यू चैप्टर है तुम्हारा। ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन तुम लोगों को बोलो कॉलेज में वो ऑसिलेशन बहुत डिफिकल्ट जाता है लेसन, वेटेज ज़्यादा है, ध्यान दो ठीक से इसको, बहुत आराम से करेंगे। सरफेस टेंशन के कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है हमारे, वो हम सैटरडे संडे में कवर करेंगे, ठीक है? कंप्लीट नहीं हुआ है वो, आई बात समझ में? ठीक है, ये सैटरडे संडे का स्केड्यूल काफ़ी सिंपल है। सैटरडे और संडे को सारे मैथ्स के लेसन खत्म, मतलब जितने भी लेसन स्टार्ट किए ना, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, ये चार लेसन चल रहे हैं अपने, बराबर? ये चारों के चारों सैटरडे और संडे में ख़त्म करना है, आई बात समझ में? सुबह स्टार्ट करेंगे 7 बजे, डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, जैसे वो ख़त्म होता है फिर ब्रेक दूंगा, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो 2 दिन का स्केड्यूल हमारा पूरा का पूरा मैथ्स है, नॉन मैथ्स वाले एंजॉय, ठीक है? पूरा 2 दिन में हमको पेंडिंग मैथ्स का जो स्टार्ट किया वही ख़त्म करना है, क्लियर है सबको? मैथ्स वाले क्लियर है? तो तैयार है, चल। ऑसिलेशन क्या है सुनना, ठीक से सुनना। अब ये टेक्निकल रहेगा, पूरा लेसन में सिर्फ डेरिवेशन, थ्योरी है ही नहीं, पूरे लेसन में लाइन से डेरिवेशन है, लाइन से एंड तक बड़ा लेसन है और सिर्फ डेरिवेशन से भरा हुआ है। तो तुम्हारा एब्सेंट जाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हार्मफुल है तुम्हारा, ठीक है? और बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए इसकी, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें आसान है बट बहुत सारी है। देखो सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं हम। सबसे पहला टर्म है वो है पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक से सुनना। नया लेसन है तो सबको ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले से कुछ पता होना चाहिए, नया लेसन है तो ठीक से समझ में आ जाएगी बात। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखो द मोशन पहले डिफाइन करता हूँ फिर समझाता हूँ। The motion which repeats, itself after a fixed, interval of time, हर fixed time के बाद एक motion है जो repeat हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे periodic motion। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर लगाने 24 आवर्स लिया, 24 आवर्स के बाद क्या करेगा? फिर से वही चीज रिपीट करेगा, मतलब आफ्टर एवरी 24 आवर्स अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अर्थ का ये जो मोशन है जो रिपीट होता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है कि नहीं? हर 24 घंटे के बाद वो एक फिर से चक्कर लगाए, बोलो सही है कि नहीं? तो फर्स्ट एग्जांपल जो यहां पर है रोटेशन, सुनना सुनना, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस पीरियोडिक है। हाँ पीरियोडिक है, क्यों? एक फिक्स टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होता है, घूम के आएगा 24 घंटा लेगा, बराबर? 24 घंटे का फिर घूम के आएगा, फिर 24 घंटे का घूम के आएगा। सिमिलरली अर्थ जब सन के अराउंड घूमता है तो एक साल लगाता है 365 डेज। तो एक चक्कर लगा के आया 365 डेज लिया, फिर से दूसरा चक्कर लगा के आएगा 365, मतलब हर 365 डेज के बाद मोशन चेंज होता है कि सेम मोशन रिपीट कर रहा है? सेम मोशन रिपीट कर रहा है। तो द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? रेवोल्यूशन ना, बोलो। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। थर्ड एग्जाम्पल अपना क्लॉक, देखो क्लॉक मिनट हैंड, 12 से स्टार्ट करेगा, 60 मिनट्स के बाद 12 पे आएगा, फिर से क्या होगा? फिर से क्या करेगा? सेम मोशन रिपीट करेगा, मतलब आफ्टर एवरी 60 मिनट्स एक मिनट हैंड क्या करेगा? वही मोशन रिपीट करेगा। ऐसा नहीं कि पहले 60 मिनट में कुछ और किया फिर नेक्स्ट 60 मिनट कुछ और कर रहा है, ऐसा है क्या? नहीं,
नहीं, वैसे ही सेकेंड हैंड, वैसे ही आर हैंड, बराबर है क्या? नहीं तो ये जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, और सेट टू बी हैविंग पीरियोडिक मोशन, समझ में आया अभी पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या है? पीरियोडिक मोशन में मोशन क्या है वो जरूरी नहीं है कि सर्कुलर है, रोटेशनल है, जो भी है, उससे लेना देना नहीं है। ऐसा मोशन जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो। बोलो, पेंडुलम, क्लॉक का पेंडुलम होता है, बराबर, यहां गया, बीच में आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, बीच से स्टार्ट करके राइट में गया, फिर बीच में आया, लेफ्ट में गया, फिर बीच में आया, इसको बोलते हैं एक बार उसने ऑसिलेशन किया। तो एक बार ऐसा करने से समझो 2 सेकंड लगा रहा है, 2 सेकंड के बाद फिर से वही करेगा ना, फिर से 2 सेकंड लेगा फिर से वही करने में, मतलब क्या है ये पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक? क्या है? पीरियोडिक मोशन है क्या? नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो हर एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट कर रहा है वो खुद को। बताओ, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो डिफाइन करो और एग्जांपल लिख लो। अब मैं बात कर रहा हूं ऑसिलेटरी मोशन के बाद, ध्यान से सुनना, यही लेसन है तुम्हारा। ऑसिलेटरी मोशन किसे बोलेंगे हम? टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। मतलब क्या? एक स्प्रिंग है तुम्हारे पास, क्या है ये स्प्रिंग के ये एंड को पकड़ा मैं और ऐसा खींचा और खींच के रिलीज कर रहा हूं मैं, तो स्प्रिंग ऐसा ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। बोलो, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा ऐसा, बताओ। तो टू एंड फ्रो मोशन है क्या? नहीं, आगे जा रहा फिर पीछे आ रहा, आगे जा रहा फिर पीछे आ रहा, या फिर ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा। बोलो, तो ऐसा मोशन जो आगे जा रहा है पीछे आ रहा, आगे जा रहा है पीछे आ रहा, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। कौन कौन ऐसा मोशन परफॉर्म करता है? अभी एग्जांपल दिया पेंडुलम क्लॉक का, इधर जाता है फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है, मतलब जो क्लॉक का जो पेंडुलम है वो भी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेटरी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो, तो टू एंड फ्रो, आगे जाके पीछे आना या ऊपर जाके नीचे आना, यही मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या ऑसिलेटरी मोशन है? सर्कुलर नहीं है, क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है, वो ऐसा आगे पीछे नहीं कर रहा, बराबर है कि नहीं? बोलो, ठीक है। तो ये स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर तुमने मास लगा के खींचा और छोड़ दिया तो ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। सेकेंड एग्जांपल तुमको मैंने अभी दिया पेंडुलम का। बोलो, ये स्प्रिंग हो, ये पेंडुलम हो, ये सारे जो मोशन परफॉर्म कर रहे, ये सारे मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, सुनो ये इंपॉर्टेंट है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि हर ऑसिलेटरी मोशन ये रिपीट होता रहेगा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। बोलो, पेंडुलम ऑसिलेटरी है और ये पीरियोडिक भी है। बोलो, टू एंड फ्रो भी है और ये रिपीट भी होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, बराबर। तो सुनना, सुनना ठीक से, नोट, एज अ नोट दे रहा हूं मैं तुमको। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। मानते हो क्या नहीं इस चीज को? बोलो, मतलब ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ऑसिलेटरी है, टू एंड फ्रो भी कर रहा है और वो रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ये स्प्रिंग भी है, जब वाइब्रेट करेगा वही चीज रिपीट कर रहा है कि नहीं? बोलो, वो
उसके बाद पेंडुलम की जब हम बात करते हैं तो पेंडुलम में भी ऑसिलेटरी है टू एंड फ्रो, और साथ में वो रिपीट भी कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, बताओ। हाँ, तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन, ये इंपॉर्टेंट। हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता, जैसे हमने इसके पहले पीरियोडिक फंक्शन के पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल देखा था, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, पीरियोडिक मोशन है क्या? नहीं है, बट वो ऑसिलेटरी नहीं है, बट वो ऑसिलेटरी नहीं है, पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है, बोलो। और रिपीट होता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, बस ऑसिलेटरी नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है, बोलो सही है क्या नहीं? क्लॉक के जो हैंड्स है वो पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है, बताओ। पीरियोडिक है, पीरियोडिक मतलब रिपीट होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, पर ऑसिलेटरी है क्या क्लॉक के हैंड्स? आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करते क्या? नहीं कर रहे। ये नोट इसलिए मैं लिखवा के दे रहा हूं, याद रखना, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट क्या? एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वर्ड का मतलब, इनके बीच का फर्क समझना, सबको क्लियर है क्या? चलो एक बार रिवाइज करते फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते, एक बार रिवाइज करते फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते। पीरियोडिक मोशन किसे बोलते हैं? मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, हर वो मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही मोशन परफॉर्म करता रहेगा तो वो पीरियोडिक कहलाएगा। हमने एग्जांपल्स देखे, अर्थ का अपने एक्सिस के अराउंड घूमना, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही चीज परफॉर्म करता है कि नहीं करता है? आफ्टर एवरी 24 आवर्स वो घूमता ही है, तो पीरियोडिक मोशन। अर्थ जब सन के अराउंड घूमता है पीरियोडिक मोशन, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, ये जब गोल घूमता है पीरियोडिक मोशन, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फिर से वही मोशन रिपीट होता है, बोलो सही है क्या नहीं? बट ऑसिलेटरी की जब भी बात आती है ऑसिलेटरी मोशन में होता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऊपर नीचे अगर मूव कर रहा है तो वो ऑसिलेटरी है, बराबर। और ऑसिलेटरी मोशन भी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, तो ऑसिलेटरी मोशन भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है, बोलो। बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है, हर मोशन जो रिपीट होता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो ऑसिलेटरी नहीं होता है, हर मोशन टू एंड फ्रो नहीं होता है, बराबर है क्या नहीं? लिखो इसको, लिखो, सबको क्लियर है ना? चल, तो एक क्लैरिटी मिल गई ना तुमको, क्या पढ़ने वाले हम, क्या पढ़ने वाले इधर? हाँ, टू एंड फ्रो मोशन हम पढ़ने वाले, तो याद रखना टू एंड फ्रो मोशन, हमेशा दिमाग में क्या याद रखना है? पेंडुलम, पेंडुलम याद रखना है, बोलो। पूरे लेसन में पेंडुलम तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए, मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी। अच्छा, मैंने जैसे स्टार्ट में बोला पूरे लेसन में डेरिवेशन है, बराबर, तो पूरे लेसन में हमें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री में से हम साइन थीटा और कॉस थीटा यूज करते हैं, तुमको दिक्कत आएगा 90% जगह पे, कौन क्या यूज करेंगे हम? साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं क्यों साइन थीटा कॉस थीटा, क्यों टैन थीटा यूज नहीं कर रहे, क्यों कॉट थीटा नहीं, क्यों कोसेक थीटा नहीं, ये समझा रहा हूं, ठीक से देखना। हम यहां पर इस लेसन में ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन, और टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेटरी मोशन, ये पीरियोडिक मोशन होता है, अभी बोलो, रिपीट करता है ऑसिलेटरी मोशन, बराबर। हमने जब साइन थीटा का ग्राफ बनाया था, ग्राफ सिर्फ देखना, नॉन मैथ्स वाले वो टेढ़ा वेढ़ा करो मत, सिर्फ देखो ग्राफ, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, देखना साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, एटलीस्ट ये ग्राफ देखा रहेगा तुमने, ये ग्राफ किसका है? साइन थीटा का। जब हम कॉस थीटा का ग्राफ चेक करते, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, मैं एंगल बना नहीं रहा हूं पर ऐसा होता है ग्राफ,
ये 0 डिग्री है और यहाँ पर 360 डिग्री है, बीच के एंगल यहाँ पर है। साइन थीटा और कॉस थीटा ग्राफ के पास देखो, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। ये ग्राफ देखो, ये ऊपर गया बराबर, फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया बराबर, 360 के बाद फिर से ये ग्राफ ऊपर जाएगा कि नहीं, फिर से किधर नीचे। तो मुझे बता, आफ्टर एवरी 360 डिग्री, पहली बात तो ये ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, टू एंड फ्रो, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। दूसरी चीज पीरियोडिक भी है, आफ्टर एवरी 360 डिग्री यही वेव देखने मिलेगा। बोलो मतलब साइन थीटा का ग्राफ एक पीरियोडिक ग्राफ है क्या? नहीं, वो ग्राफ रिपीट होता है। देखो पहले 360 डिग्री पे इधर तक आया, फिर नेक्स्ट 360 डिग्री पे भी सेम चीज रिपीट होगा, नेक्स्ट 360 डिग्री पर सेम चीज। बोलो तो साइन थीटा का ग्राफ अगर हम देखें तो ये पीरियोडिक है क्या नहीं है, वो ग्राफ रिपीट होता है क्या नहीं होता है? होता है क्या नहीं, सबसे आंसर आना चाहिए, क्लियर है क्या? बोलो। सिमिलरली कॉस थीटा का ग्राफ देखो, यहां से गया इधर, गया इधर तो 360 पे इधर पहुंचा, ऊपर नीचे ऊपर, इसके बाद क्या होगा आगे के 360 डिग्री पे? सेम चीज रिपीट होगा कि नहीं होगा? मतलब आफ्टर एवरी 360 डिग्री कॉस थीटा का ग्राफ भी क्या होता है, 360 पे अलग, नेक्स्ट 360 पे अलग दिखता है क्या ग्राफ? नहीं, वही चीज रिपीट होता है। मतलब साइन थीटा का ग्राफ और कॉस थीटा का ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है खुद को, जैसे था वैसे ही बनाता है वापस। बोलो। सिंस साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ एक पीरियोडिक मोशन दिखाता है, इसीलिए हम पूरे ऑसिलेटरी मोशन में जो भी हमारे डेरिवेशन होते हैं उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा यूज कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो टैन थीटा नहीं यूज करेंगे हम, कोसेक थीटा जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है? तो हमारा पूरा फोकस जब भी हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें से साइन थीटा और कॉस थीटा यूज करेंगे। रीजन समझ में आया क्या? सबको क्लियर है ये? ये ग्राफ दोनों ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो और नीचे नोट डालो, साइन एक्स या साइन थीटा एंड कॉस थीटा ग्राफ्स आर पीरियोडिक इन नेचर, बराबर, हेंस वी यूज दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द डेरिवेशंस। आई बात समझ में सबके? किसी को डाउट है क्या? नॉन मैथ्स वाले कुछ है क्या, कुछ डिफिकल्ट ऐसा, कुछ अजीब सा कुछ बोला क्या मैंने? चलो कॉपी करो। अथर्व वीडियो ऑन करो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑसिलेशन का डेफिनेशन। ऑसिलेशन लेसन को एक्चुअल में ऑसिलेशन नहीं बोलना चाहिए, लेसन को बोलना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनियम होता है ना, हार्मोनियम, हार्मोनियम टू एंड फ्रो मोशन होता है वो। क्या करते हैं हम, आगे पीछे मूव कर रहे कि नहीं कर रहे, टू एंड फ्रो? बोलो। हार्मोनियम पता है ना? तो वो मोशन टू एंड फ्रो होता है, इसीलिए हम ऑसिलेशन को दूसरा नाम क्या देते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM बोलेंगे हम शॉर्ट में। सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन भी है ग्रेजुएशन लेवल पर। आ रही बात समझ में? और मैंने बोला सिंपल हार्मोनिक मोशन ही सिंपल नहीं है, नाम सिंपल है, सिर्फ नाम में सिंपल है सिंपल, बट थोड़ा फोकस चाहिए तुम्हारा। आसान करूंगा मैं जितना हो सकता है उतना, तुम साथ दो बस, मेरे को आ जाएगा समझ में, तुमको भी समझ में आना जरूरी है, तो ठीक से सुनना। मैं सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ही क्या, ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं बराबर, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं टू एंड फ्रो के लैंग्वेज में नहीं, सिर्फ एग्जैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन में। ठीक से देखना, ठीक से देखना। तो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं SHM मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी सुनना डेफिनेशन क्या कहता है, सुनना।
ये तो हमको पता है टू एंड फ्रो है। बोलो अभी आगे देखो क्या लिख रहा हूं। टू एंड फ्रो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाल रहा हूं, चल लिखता हूं। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड। सो कह रहे हैं आधे लोग आधे डेफिनेशन में। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड एट अ फिक्स्ड पोजिशन known as mean position। देखो मैं डेफिनेशन के पास मत देखो, मैं समझाता हूँ डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन समझाता हूँ, एक्सपेरिमेंट करने वाले हम यहाँ पर, एक एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ। अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो तुमको ये डेफिनेशन समझ में आ गया, क्योंकि जो कुछ उस एक्सपेरिमेंट में हो रहा है उसी चीज को वर्ड्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। आ रही बात समझ में? अभी देखना ठीक से देखो। ये जो है एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। ही स्प्रिंग रहेगा इसमें और मास रहेगा, स्प्रिंग मास सिस्टम यूज कर रहे हैं हम। ठीक से देखो, यहाँ पे बना रहा हूं, दिख रहा है ना सबको? यहां तक दिख रहा है क्या? तीनों लाइन दिख रहा है क्या? सब समझाता हूं, डरो मत। ठीक से देखना क्या कह रहा हो और क्या हो रहा है इधर, ठीक से सुनना। हमने क्या किया, एक अच्छा ये जो लाइन खींच रहा हूं ना, तीन दिख रहा है क्या? तीन लाइन, ये लिखा है LE। LE का मतलब है लेफ्ट एक्सट्रीम। ये क्या है तुम्हारा? लेफ्ट एक्सट्रीम। बीच में जो MP लिखा है ये क्या है तुम्हारा? मीन पोजिशन। और यहां पर राइट साइड में जो लिखा है वो है राइट एक्सट्रीम। तो बीच वाला मीन पोजीशन है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट एक्सट्रीम इधर का बोर्ड पे का, और उस तरफ का राइट एक्सट्रीम। क्या है ये सुनना, बहुत इजी है, सुनो। हमने एक स्प्रिंग लिया और उस स्प्रिंग को मैंने मास लगाया। क्या लगाया? मास। और उस स्प्रिंग और मास को उठा के मैंने एक टेबल पे रख दिया। जैसे रखूंगा एक नॉर्मल पोजिशन पे रुके रहेंगे कि नहीं वो लोग? क्या अपने आप ही मूव करते बैठेंगे? वो वर्टिकल रखा है क्या? वर्टिकल रखा है क्या? नहीं। स्प्रिंग को मास लगाया और उस स्प्रिंग और मास को मैंने एक टेबल के ऊपर रख दिया ऐसा हॉरिजॉन्टल और छोड़ दिया, तो नॉर्मल पोजीशन पे रुके रहेंगे कि नहीं बताओ? उस पोजीशन पे जहां पर मास रुका है ना, उस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन में हम कुछ कर रहे हैं क्या? मास को टच कर रहे हैं क्या? नहीं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आगे मास लगाया और ऐसा उठा के टेबल पे रख दिया और छोड़ दिया। वो अपने आप तो हिलेंगे नहीं ना, वहां पर रुके हैं। वहां पर उस पोजीशन पे जहां पर मास रुका है ना, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। दिख रहा है ये पहला वाला? अब सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस मास को पकड़ रहा हूं। स्प्रिंग का दूसरा एंड हमने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स। और जहां पर मास है ना, उस मास को मैंने पकड़ा। सुनो, मास को पकड़ा और इस मास को मैं राइट में पुल कर रहा हूं। दिख रहा है क्या सेकंड फिगर? हाँ
इस मास को पकड़ा और मैं इसको कहाँ खींच रहा हूँ, राइट में, इधर दिख रहा है क्या सेकंड फिगर? तो इस मास को मैंने मीन पोजीशन से खींच के किधर लेकर आया, राइट एक्सट्रीम पर आ गया कि नहीं, बोलो। तो मुझे बताओ, पहला पहला लाइन जो है, पहला क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले सिचुएशन क्या है पहले वाले का, बोलो। हाँ छोड़ दिया, एक एंड फिक्स कर दिया और ऐसा छोड़ दिया हमने, तो जैसे छोड़ दिया तो मास एक जगह पे आके रुक जाएगा कि नहीं, बताओ। वो पोजीशन मास का मीन पोजीशन है, बराबर। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने क्या किया, मास को पकड़ा और उसको खींच रहे हो, तुम कहां पर खींच रहे हो, राइट एक्सट्रीम में, बराबर। अब सुनना सुनना, मतलब तुमने मास का डिस्प्लेसमेंट किया कि नहीं राइट साइड में। अगर मैं पूछूं ये मास को तुमने किधर डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स लिखता हूं, तो राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, एक्स राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में कर दिया, मास को तुमने राइट एक्सट्रीम पे शिफ्ट किया, बोलो क्लियर है? अभी सुनना, जैसे ही तुमने उसको राइट में खींचा, ये स्प्रिंग के अंदर के मॉलिक्यूल्स ऐसे बैठे थे समझो पांचों, वो स्प्रिंग को तुमने खींचने से मॉलिक्यूल्स ऐसे स्प्रेड हो गए, स्प्रिंग खींचा जा रहा है ना, उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। तो पहले सिचुएशन में सारे मॉलिक्यूल्स आराम से बैठे थे, पहले सिचुएशन में तुमने जैसे ही मास को राइट एक्सट्रीम पे खींचा, तुमने डिस्प्लेसमेंट राइट में किया, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, यहां तक क्लियर है? जब तुम राइट में खींचा, मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, स्प्रिंग के अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, स्प्रेड हुए कि नहीं हुए? अब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? वो लोग एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, मतलब स्प्रिंग के अंदर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, बोलो, क्योंकि उनको दूर किया जा रहा है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पास लाने की कोशिश कर रहे कि नहीं, बताओ। तो मैं तुमको यहां पे दो सिनेरियो बता रहा हूं, एक मास का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हुआ, बराबर, और स्प्रिंग के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल्स थे, ये ऐसे स्प्रेड हो गए इधर, ये मॉलिक्यूल्स का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा ना फिर, क्योंकि वो फिर से पास आना चाहते हैं, बोलो। मॉलिक्यूल्स का अंदर का फोर्स, चलो ध्यान दो, मैं फिर से समझा रहा हूं, डेफिनेशन क्या है वो समझना है, तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम का एक्सपेरिमेंट समझना है तुमको, ठीक है। स्टार्टिंग में स्प्रिंग को एक एंड पे अटैच किया और मास को दूसरे एंड पे अटैच करके हमने रिलीज कर दिया, रख दिया ऐसे टेबल पे, बराबर। और उस पे जब मास जिस पोजीशन पे था, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, पहली चीज। फिर हम अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, उस मास को पकड़ा, पकड़कर कहां खींच रहे, किस तरफ खींच रहे, राइट एक्सट्रीम पे खींच दिया। तो किसी ने पूछा वो मास का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे तुम, तो राइट साइड में कर रहे कि नहीं कर रहे, मेन पोजीशन से राइट में मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से दिखा रहा हूं, तो एक्स का डायरेक्शन उधर है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उधर है कि नहीं, बोलो। अब सुनना, तुमने जैसे ही इस मास को राइट साइड में खींचा, स्प्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर गए ऐसे, बट ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने के लिए आपस में फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो मैं पूछ रहा हूं, वो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगाएगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, पास आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल इस तरफ फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्यों फोर्स लगा रहे, ताकि वो उनका ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सके, जैसा ऐसा था ना पहले, हमने खींचने से वो ऐसा हो गया, वो फिर से ऐसा होना चाहते हैं, तो ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करने के लिए वो पीछे फोर्स लगा रहे कि नहीं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे, बोलो। ये जो फोर्स है, इस फोर्स, सिंस ये फोर्स एक मॉलिक्यूल्स को उसका ओरिजिनल शेप रिस्टोर करने के लिए लगाते हैं, इसलिए इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। समझ में आया रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, नाम क्यों रिस्टोरिंग है, बोलो।
बोलो मास का डिस्प्लेसमेंट कौन से साइड है? राइट साइड, राइट साइड, बराबर। और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स? स्प्रिंग के अंदर के, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे किस डायरेक्शन में? हाँ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बराबर। और वो क्यों लगा रही है फोर्स? ताकि उसके ओरिजिनल जो शेप था उसको रिस्टोर कर सके, बराबर है कि नहीं? नॉर्मल जो उसका शेप होना चाहिए था, सही है। अभी ये मास को अगर मैंने यहां से छोड़ दिया, मैंने पकड़ के रखा है ना राइट एक्सट्रीम पे उसको, जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जो पीछे लग रहा है वो उस मास को पीछे लेके आएगा? मॉलिक्यूल के अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लग रहा था, मॉलिक्यूल पास आने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उस मास को खींच कर रखा बोल के ऐसा है, बराबर है? मैंने इस मास को ऐसा खींचा बोल के स्प्रेड हो गए, मैंने अगर इस मास को रिलीज कर दिया ये मॉलिक्यूल एकदम ऐसा हो जाएंगे, मास पीछे शिफ्ट हो जाएगा, सही है कि नहीं? और रिस्टोरिंग फोर्स इस मास को पीछे लेकर आएगा। अभी समझ में आया वो मास पीछे क्यों आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है सुनना, मैंने मास को रिलीज किया, ये मॉलिक्यूल्स क्या चाहते हैं? फिर से ये पहला वाला पोजीशन चाहते कि नहीं कि मास फिर से मेन पोजीशन पे आके रुके? जैसे मैं यहां से छोड़ता हूं, जैसे ही छोड़ता हूं थर्ड लाइन के पास देखो, जैसे ही छोड़ता हूं आया 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 मेन पोजीशन पे रुकना चाहिए था कि नहीं मास ने? बट मास किधर गया, किधर गया? लेफ्ट एक्सट्रीम। इसके पीछे का रीजन है इनर्शिया, बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन। जैसे हमने छोड़ दिया मास को, वो एकदम फास्ट गया ना पीछे, एकदम फास्ट गया कि नहीं बोलो? तो यहां पे रुकता नहीं है, जाता किधर है? और लेफ्ट एक्सट्रीम पे चला गया वो मास, बराबर है कि नहीं? थर्ड लाइन क्लियर है क्या, थर्ड क्या आई है बोलो? इनर्शिया, समझा ना इनर्शिया कैसा लग गया इधर बोलो? मतलब अब जैसे मैंने रिलीज किया मीन पोजीशन से, मास लेफ्ट में गया, मतलब जब मैंने रिलीज किया तो मीन पोजीशन से लेफ्ट में गया, मतलब थर्ड सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, बताओ इधर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हमने राइट में किया था, बराबर? लास्ट लाइन में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, मास किधर है? लेफ्ट में, डिस्प्लेस लेफ्ट में हुआ कि नहीं हुआ बोलो? हमने नहीं किया, इनर्शिया ने लेकर गया उसको, सही है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे लेफ्ट में मास गया, क्या ये स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स को पसंद है क्या? ये स्प्रिंग के मॉलिक्यूल का नॉर्मल पोजीशन है क्या? नहीं, ये वाला बोलो। देखो मॉलिक्यूल्स पहले ऐसे थे, हमने राइट में खींचा तो मॉलिक्यूल ऐसे हो गए, जैसे ही छोड़ा मॉलिक्यूल ऐसा पास आ रहे थे, बड़ो इनर्शिया मास बहुत पास आ गया तो मॉलिक्यूल एकदम ही क्लोज आ गए एक दूसरे के, बोलो? पर मॉलिक्यूल को तो नॉर्मल रहना है ना, ऐसा मुझे बताओ अब मॉलिक्यूल को क्या करना है, पास आना है कि थोड़ा फैल के रुकना है? थोड़ा फैल के रुकना है। फैल के रुकने का मतलब क्या? थोड़ा खुलने की कोशिश करेंगे, तो फोर्स किधर लगाएंगे वो खुलने के लिए? राइट साइड पे फोर्स लगाएंगे, तो ओरिजिनल पोजिशन रिस्टोर करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स फिर से लगाएंगे, बट अब राइट साइड में लगाएंगे, बोलो सही है कि नहीं? और ये मास को पुश करेंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं वैक्यूम में करता रहा, ये मास कभी रुकेगा ही नहीं, राइट में भेजूंगा मेन पोजीशन से, पुश करेंगे ये स्प्रिंग बोलो, बट ड्यू टू इनर्शिया फिर नहीं रुकेगा, फिर आगे जाएगा, मतलब वो मास ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, बोलो? ऑसिलेशन टू एंड फ्रो, बोलो क्लियर है के मास, स्प्रिंग मास सिस्टम? अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन समझ में आएगा। टू एंड फ्रो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स, देख रहा, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, तुम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे। तुमने अगर ये मास को थोड़ा सा खींचा तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा ही दूर गए ना, तो एक दूसरे के पास आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगाएंगे कम लगाएंगे?
तो तुम जितना ज्यादा खींचोगे मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्प्रेड होगा। तुम रबर को पकड़ो, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे ही छोड़ते एकदम फास्ट पीछे जाता हो, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा रहता उसमें, क्योंकि तुम ज्यादा डिस्प्लेस कर रहे हो, बराबर है क्या? नहीं बोलो। बट अगर रबर को थोड़ा सा ऐसा करके छोड़ दो तो बहुत उछलता क्या हो? नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा उतना मॉलिक्यूल स्प्रेड होता है, और जैसे रिलीज कर तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाता है। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तुम जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे उतना मॉलिक्यूल्स के बीच का रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा। बोलो। पहली चीज नेक्स्ट, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड एट अ फिक्स्ड पोजिशन। ये रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स उस मास को कहां लेके जाना चाहता है? मीन पोजीशन पे, बराबर है ना, ताकि वो नॉर्मल स्टेट में रहे। इसलिए इसने इन्होंने लिखा इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड एट अ फिक्स्ड पोजीशन व्हिच इज नोन एज मीन पोजीशन। आप समझे डेफिनेशन क्या है? बोलो। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसे अपोजिट है, इसीलिए सिर्फ x नहीं लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे। क्यों समझा माइनस? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। सही है, बोलो। तो माइनस आ गया। तीसरी चीज जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे वहां पर कांस्टेंट आएगा। बोलो। तो यहां पर कांस्टेंट ले रहा हूं के, ये माइनस पहले से है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। रिस्टोरिंग, ये जो लिखा है ना हमने, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या माइनस एक्स, ये कंडीशन है एसएचएम का। तुमको कोई बोल रहा है कि बताओ ये वाला मोशन ऑसिलेटरी मोशन है क्या? नहीं। तो तुमको प्रूफ करना है कि उस मोशन के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू इच अदर। एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये अगर तुमने प्रूफ किया तो ही हम उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन समझेंगे। आई बात समझ में? अब सिर्फ ऐसा ऐसा होना नहीं है, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे पीछे, अब हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई करना भी है। बोलो। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही लेसन में आगे जाके ना पेंडुलम है, तुमको पूछा जाता है वो पेंडुलम बताओ एसएचएम प्रूफ, एसएचएम ओबे कर रहा है क्या, ये डेफिनेशन ओबे कर रहा है क्या? तो हमको पूरा डेरिवेशन करके एंड में प्रूफ करना है कि एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अरे बात समझ में? उसके बाद ही, वरना बोले दिख तो रहा है पेंडुलम आगे पीछे कर रहा है, प्रूफ क्या करना है? नहीं, अभी देखने पे नहीं चलेगा, प्रूफ करने पे चलेगा। आई बात समझ में? बोलो। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला को एक और तरीके से लिखते हम। फोर्स को क्या लिखा जाता है, सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ना। तो ये एफ आर के जगह पे लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बोलो। ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स, ये एम को नीचे शिफ्ट किया। ये पूरे एक्सपेरिमेंट में ये के तो कांस्टेंट ही है, ये एम क्या है, मास है, वो मास भी कांस्टेंट ही है कि नहीं पूरे एक्सपेरिमेंट में, बताओ? हाँ, तो मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, के अपॉन एम कांस्टेंट है। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। के अपॉन एम कांस्टेंट ले रहा हो, माइनस को रहन दो, के अपॉन एम को क्या ले रहा हो, कांस्टेंट, क्योंकि के तो पहले से ही कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रूफ किया है, बराबर है कि नहीं? और एम, एम तो उसका मास है ना, मास भी कांस्टेंट है। मतलब कोई भी मोशन एसएचएम है या नहीं, दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो ये कंडीशन प्रूफ करो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या फिर नेगेटिव। आई बात समझ में? बताओ, स्प्रिंग मास सिस्टम का एक्सपेरिमेंट क्लियर है क्या? ठीक है, तो यही स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने बोला रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन इसलिए लिख रहे क्योंकि राइट एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट था तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में था, लेफ्ट एक्सट्रीम पे जब मास था
तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं? हमेशा मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से पहले राइट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, थर्ड सिचुएशन में मीन पोजीशन से लेफ्ट में। तो यहां पर लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मॉलिक्यूल्स राइट में फोर्स लगा रहे, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगाया, नेगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट गया, वहां पर कांस्टेंट है के। अच्छा, इस कांस्टेंट का नाम है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हर स्प्रिंग के लिए अलग रहेगा ना, हमने इस एक्सपेरिमेंट में जो स्प्रिंग के लिया उसका कुछ वैल्यू रहेगा, बराबर। हर एक्सपेरिमेंट में स्प्रिंग चेंज करोगे तो उनका बिहेवियर अलग रहेगा कि नहीं, बताओ। ये एक्सपेरिमेंट रबर के साथ किया तो रबर का कांस्टेंट आएगा उधर कुछ ना कुछ, बोलो, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसी को एक्सेलरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो लिख लो इसको, अभी लिख लो, ठीक से लिखो, चलो।